नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धनु राशि वालों, आने वाले अगले 6 दिनों में बड़ा हाथ मारने का समय आ चुका है। एक ऐसे राज की बात बताने वाले हैं जो आपकी भाग्य को अचानक से पलट कर रख देगी, आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमका कर रख देने वाली है। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार समय साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यह समय आपकी कुंडली में भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद बनता हुआ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोग इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें, ताकि भोले बाबा की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बरसती रहे और भोले बाबा का हाथ आपके ऊपर सदा बना रहे और भोले बाबा आपके जीवन में आने वाली सभी कष्टों और सभी परेशानियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए दूर भी करें और जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। तो आप लोग जरूर ही लिखिएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपके भाग्य को चमका देगी और आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है जिसे खुद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहें तो अब आपकी किस्मत में 4 चांद लगने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसा चमत्कार भोले बाबा अगले 6 दिनों में आपके जीवन में करने वाले हैं जिससे आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी और आपकी सारी जीवन की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से बस मेरा छोटा सा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि आने वाले अगले 6 दिनों में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोगों को क्या क्या बड़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली है, आपके ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, तो आपको क्या क्या खुशखबरियां भी मिलने वाली हैं। दोस्तों, इसमें आप लोगों को क्या बड़ा हाथ भी लगने वाला है। दोस्तों, साथ ही आपको किन क्षेत्रों में भी आपको इसमें सावधान रहना होगा और कौन सी ज़रूरी बातों को भी आपको इसमें अपने जीवन काल में ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, पूरी जानकारी आप लोगों को बताएंगे 100% सटीक, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान भोलेनाथ के एक बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि जीवन में अगर कभी भी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना, क्योंकि तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बने पड़े हैं। दोस्तों, इसलिए कभी भी अपने जीवन में उम्र और पैसों पर घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वो यकीनन ख़त्म भी हो जाती है। दोस्तों, के जीवन में घमंड और अहंकार की वजह से ही इंसान खुद अपने रिश्तों को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इसलिए आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखें और जीवन में कभी भी किसी चीज़ पर घमंड मत करना, क्योंकि घमंड जिस दिन से आपके अंदर शुरू हो जाएंगे यूँ समझ लीजिए कि उस दिन से आपकी बर्बादी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर भगवान भोलेनाथ का ये विचार आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये बात करते हैं कि आने वाले अगले 6 दिनों में आप लोगों के जीवन काल में क्या बड़े परिवर्तन, क्या बड़े मौके होने वाले हैं और क्या क्या आपको सावधानियां भी बरतनी होगी। दोस्तों, आइए पूरी जानकारी बात करते हैं विस्तार पूर्वक से। दोस्तों, आने वाला ये 6 दिनों के समय अंतराल में आपको जीवन में आगे बढ़ने और तरक्की करने के नए नए अवसर लेकर आ रहे हैं, जिसे पाने के लिए आपको अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करने की बेहद ही जरूरत रहेगी। दोस्त, यह समय कार्य क्षेत्र में वृद्धि और व्यवसाय में कंप्यूटर से मिलने वाले चुनौतियों से परेशान होने की बजाय आप अपने विवेक और साहस से उनमें पार पाने का प्रयास करें। ऐसा करने पर आपको अपने शुभचिंतकों का भरपूर साथ और भरपूर सहयोग भी मिलेगा और आप पाएंगे कि कठिन परिस्थितियां तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि यह समय के उत्तरार्ध में आपको सौभाग्य का साथ भी मिलने वाला है। इस दौरान रोजी रोजगार के लिए भटक रहे लोगों की तलाश भी पूरी होंगी और उन्हें अच्छा अवसर प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनेंगे और यह समय के मध्य में आपके भीतर गजब का उत्साह और आत्मविश्वास देखने को भी मिलेंगे, जिसकी बदौलत आप कठिन से कठिन कार्यों को करने में नहीं हिचकिचाएंगे। और ख़ास बात तो यह है कि अधिकांश चीज़ों में आपको मन मुताबिक सफलता भी मिलती जाएगी और दोस्तों, इसमें विभिन्न स्रोतों से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी पूरी हो सकती है और आपके पास नए अधिग्रहण भी हो सकते हैं जो आपके आराम में शामिल भी होंगे और आप एक नए समृद्ध और सुखी पारिवारिक जीवन भी
जिएंगे। परिवार में उत्साह हो सकता है और आपके बच्चों का प्रदर्शन आपके मन में गर्व और खुशी की भावना पैदा करेगा और आप अपने घर के निर्माण के लिए अथवा कुछ नवीकरण के लिए अत्यधिक धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और दोस्त यश में रिश्ते से जुड़े कई भी पहलू आपके लिए खास हो सकते हैं। किसी भी रिश्ते को मजबूत करने या फिर टूटे रिश्ते को बचाने के लिए भी कोई सलाह लेनी है तो आप यश में ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यश में अच्छा रहेगा। और यश में आप ऐसा काम भी निपटा सकते हैं जिनकी अनदेखी आप काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। और यश में अचानक सामने आने वाले कामों के लिए खुद को पहले से आप तैयार कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों यश में करियर और कारोबार की दृष्टि से भी आपके लिए समय बेहद ही शुभ समय रहने वाला है। कारोबार में आपको मन मुताबिक लाभ होगा और व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा लाभप्रद साबित होगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई भी उपलब्धियां से आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा और प्रेम प्रसंग में मनचाही सफलता भी मिलेगी और लव पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल भी देखने को मिलेंगी। और यश में वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय बना रहेगा और जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के कई अवसर भी आपके यश में प्राप्त होने वाले हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों ने किसी को पहले कभी धन उधार दिया था तो वह आपको वापस यश में मिल सकता है, लेकिन विद्यार्थियों को खाली बैठ कर समय व्यतीत करने से अच्छा है कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाए। और आपको दूसरे की कही सुनी बातों पर भरोसा करने से भी बचना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है। और दोस्तों इस समय सेहत पर आपका खास ध्यान है। कोई भी मूर्खतापूर्ण रिश्ता आपको अपमान भी दिलाएगा और आपको लॉटरी सरप्राइज या फिर अप्रत्याशित तरीके से कोई भी उपहार यश में मिल सकती है, जिससे आपका मन भी यश में काफ़ी प्रसन्न रहेगा। और यश में आप में कुछ और दोस्त यश में आप में से कुछ लोग दबाव और उम्मीदों के कारण तनाव महसूस कर सकते हैं। इसके लिए दूसरों की मदद लें और आराम करें, तनाव से बचें और इस तरह से आप अपने आप को जीवन के सुखों में शामिल कर सकते हैं। और दोस्त यश में किस्मत आपके साथ रहेगी। रुके हुए सारे काम यश में जल्दी ही पूरे हो सकते हैं। जो काम आप काफ़ी समय से करने की सोच रहे थे तो वो यश में आप कर लेंगे और किसी भी बोझ या फिर अनचाहे साथी से भी आपको छुटकारा यश में मिल सकता है। यश में अचानक इनकम बढ़ेगी और किसी भी उलझी हुई स्थितियों को सुलझाने में आप सफल भी रहेंगे और अपने प्रेमी जीवन की जरूरत और उनके बातों को समझने की आप कोशिश करें और धार्मिक स्थान पर भी जाने का मन आप यश में बना सकते हैं तो उसमें आपका मन भी अच्छा रहेगा और आपकी सारी परेशानियां भी दूर होती रहेंगी।